जैसे कि आप देख रहे हैं जो सीलिंग फैन है, सीलिंग फैन में जो दिक्कत है इसका सब कुछ ठीक है, पर फिर भी ये बहुत स्लो स्लो घूम रहा है। आप देख सकते हैं जो इसकी स्पीड है वो भी इसकी फुल स्पीड है। आप देख सकते हैं जैसे ये 5 पे इसकी स्पीड है वो फुल स्पीड है, पर फिर भी ये फ्रंट ये बहुत स्लो घूम रहा है। तो फ्रंट इसके जो है 3-4 वो कारण होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं स्लो घूमने के। सबसे पहला कारण होता है इसका कैपेसिटर वीक हो सकता है, दूसरा कारण होता है इसका जो बैरिंग है बैरिंग जो जाम हो सकते हैं, तीसरा कारण होता है आप फिटिंग टाइम करते समय कोई गलती कर देते हैं तब भी ये फैन है जो स्लो घूमता है, और फ्रंट कभी क्या होता है इसकी जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट भी कभी लूज़ हो जाती है, इस कारण वो स्लो घूमता है। तो फ्रंट तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें दिक्कत क्या है। फ्रंट इसके जो बैरिंग है वो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, इसको हाथ की सहायता से ऐसे घुमाएंगे तो ये बहुत आराम से घूमेगा, तो उसके बैरिंग है वो ठीक है। अगर ये जाम घूमेगा तो उसके जो बैरिंग है वो इसके जो जाम हो सकती है। तो फ्रंट इसकी दिक्कत है जो कैपेसिटर की, अब हम कैपेसिटर चेक करेंगे, बताएंगे कैपेसिटर कैसे चेंज किया जाता है। तो जैसे कि इसका कैपेसिटर वो 2.5 माइक्रोफैड का है, अभी हम इसको कैपेसिटर चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम टेस्टर की सहायता से चेक करेंगे कि इसमें एक फेस तो नहीं आ रहा। कभी हमने स्विच तो ऑफ कर दिया पर फिर भी आप फेस जरूर चेक कर लेंगे कि सेफ्टी का फुल ध्यान रखें, फेस नहीं आ रहा। तो फ्रेंड सबसे पहले आपने जो कैपेसिटर की इसकी 2 वायर होती है नीचे वाली आपने ये चेंज करनी है। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं सेम आपने ऐसे खोल देना है इन दोनों वायरों को, आप ऐसे खोल देना है इनको, आपने ऐसे करके बाहर निकाल देना है तो ये बहुत ही आराम से ये बाहर आ जाती है। तो फ्रेंड आपने इन वायरों को ऐसे निकाल लेना है, और जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ कैपेसिटर की वायर को निकाल रहा हूँ, ऐसे आपने निकाल देना है। और जो दूसरा कैपेसिटर है सेम वो जैसे कैपेसिटर मैं मार्केट से लेके आया था, अभी हम इसको ऐसे सेम वैसे ही जैसे खोला था वैसे हम इसको लगा देंगे। तो फ्रेंड आपने ये ध्यान रखना है जो वायर जहाँ से खोलिया वहाँ पर ही इसको वायर को लगाना है, आपने गलत वायर नहीं लगानी है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं हमने जो ब्लैक वायर था वो नीचे था और रेड वायर है वो ऊपर है, तो अभी हम इसको सेम ऐसे ही लगा देंगे। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख रहे हैं, अगर फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ यार लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो जैसे कि फ्रेंड हमने ब्लैक वायर खोली थी, ब्लैक वायर को हमने नीचे लगा दिया, इसके अभी जो नट को हमने अच्छे से टाइट कर देना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सेम आपने ऐसे करना है, अब जो दूसरी वायर है उसको हमने सेंटर में लगा देना है, जैसे हमने खोला था वैसे हम सेम इसको लगा देंगे। तो जैसे कि हमने लगा दिया इसको, अभी फ्रेंड इसकी जो है हम जो पुराने वाले कैपेसिटर को उसको हम निकाल देंगे, हमने इसको निकाल दिया, अभी हम इसको है वो इंस्टॉल कर देंगे इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसे आपने सेम इसको है इंस्टॉल कर देना है। तो फ्रेंड हमने इसको इंस्टॉल कर दिया, अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके वायर कोई भी इसके नीचे ना बॉडी के साथ लगे, सभी वायर को हम ऊपर कर देंगे। अभी हम चेक करेंगे इसकी स्पीड जो है पहले से कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं जी 5 पे स्पीड है फुल स्पीड पर, अब इसका हम स्विच ऑन करेंगे। तो स्विच हम इसको ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं इसके जो है स्पीड में बहुत फ़र्क पड़ा है। अभी ये शुरू अभी देखना ये बहुत ही फास्ट घूमेगा, इससे फर्क बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, तो आप देख सकते हैं।